हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। देखिए, आज जो है मैंने आपको इससे पहले चारकोल स्टिक के पाउडर से कुछ बताया था। आई थिंक आपको शायद याद होगा, लेकिन मैं इस बार थोड़ी सी अपनी भी वो कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो मैंने यहाँ पर जो है वो चारकोल स्टिक का जो है वो नहीं निकाला है पाउडर, मैंने चारकोल पेंसिल का वो जो है वो पाउडर बनाया है। ठीक है, आप उसको देखिए। आज मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा ब्रश से, कि हाउ टू यूज़ ब्रश इन चारकोल पाउडर और पेंसिल। यहाँ पर हमने एक मतलब फेस है ऐसे ही, जो मैं किसी बिना उसके बना रहा, तो उसको जो है आप उसको देखिए। बस मेरा यूज़ मैं बता रहा हूँ उसमें, कि आप जो हैं वो चारकोल पाउडर को हाउ टू यूज़ ब्रश कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है ब्रश यूज़ करने का। क्योंकि इससे पहले मैंने जो है ब्रश ख़ुद भी यूज़ नहीं किया है कभी, मैं हमेशा कॉटन और वो यूज़ करता था फिंगर को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें भी ब्रश का सही यूज़ निकले। ब्रश को हम कैसे इसमें ये चारकोल पाउडर बना के अपने पास में, और उसको हाउ टू यूज़। ये पेंसिल है चारकोल पेंसिल, उसको घिस के जो है मैंने सैंड पेपर के ऊपर, सैंड पेपर होता है जो आपको कहीं भी हार्डवेयर की शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं। हम ये हमने एक फिगर फेस स्केच कर लिया है, और इसको ही हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले तो हम इसका इस वो हटा देते हैं, जो चारकोल हमने इसको किया है स्टिक से। ये चारकोल स्टिक से मैं स्केच करता हूँ, देखिए ये चारकोल स्टिक है, इसी से स्केच करता हूँ मैं। अब जो है वो हमारा इरादा, यहाँ पर हमने सैंड पेपर पे पाउडर जो है वो बना लिया है पेंसिल से घिस के, अब इसको हम जो है ब्रश से डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। देखिए, ये ब्रश है जो आपका पेंट के काम आता है। अब इसको इसलिए भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसमें टाइम थोड़ा कम हो जाए, टाइम इसका जो अगर कम हो जाएगा तो पोर्ट्रेट जल्दी बनेगा। पूरा खेल जो है वो टाइमिंग का ही है, मैं शुरू से ही चाहता हूँ कि टाइम जो है वो कम से कम यूज़ हो। अब देखिए, मैंने इतनी सी उसके अंदर जो है, अब बाद में इसमें हम पेंसिल लगाएंगे, पहले हम जो शेड्स को कंप्लीट करेंगे। ये जहाँ जहाँ पर हमने शेड्स कंप्लीट करना है वो हमने शेड्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो पेंसिल लगाएंगे।
देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। इसके ऊपर हम जो चला रहे हैं वो वाकई जो है बहुत अच्छा ब्रश से यूज़ हो रहा है इसमें। देखिए हमने लिप्स में भी कर दिया। बस मेरा इरादा ये है कि मैं इसको एक बार यूज़ करूं और उसके बाद डायरेक्ट जो है डायरेक्ट पेंसिल से इसके वो इस फिगर को कम्प्लीटली निकाल दूँ। हाँ, इसमें आपको ब्रश चलाने वो रबर चलाने का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें हार्डनेस है ही नहीं। इसमें जब हार्डनेस होगी नहीं, अगर हम पेंसिल चलाते तो फिर हम उसमें नहीं चला सकते थे। ये हो गया, बहुत आहिस्ता चलाएंगे, बहुत प्रेस करके उसको नहीं चलाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इरेजर चलाना भी बताऊंगा आपको इसमें कि इसके अंदर आपको इरेजर कैसे यूज़ करना है। देखिए हमने शेडिंग काफ़ी हद तक इस ब्रश से कंप्लीट करी है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये जो है वो नहीं है। आप ध्यान से इसको चलाइए, क्योंकि ये देखिए अभी एक बड़ा स्ट्रोक चलाया हमने, दो बड़े स्ट्रोक चला दिए और दोनों ही स्ट्रोक इसके ऊपर जम गए। इसके लिए आप ब्रश को पहले सैंड पेपर पे अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए। इस पे इरेजर चलाना पड़ेगा हमें। अब हम पेंसिल ले लेते हैं, कोई भी चारकोल पेंसिल जो हमारे पास हो, जैसे हमारे पास ये चारकोल पेंसिल है। अब हम इसके अंदर, अब ये देखिए आपके अब जो है वो कितना सा टाइम लगेगा जो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आप देखिए ये मैंने जो है वो काफ़ी हद तक इसको कंप्लीट कर दिया, ऐसे समझिए। आप ब्रश से यूज़ करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे आपकी टाइमिंग के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा। और आर्ट के अंदर जो है ना टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। देखिए अगर हमने इतने से टाइम में आइस कंप्लीट कर दी, बस यही अपनी जीत होती है। क्योंकि लाइव पोर्ट्रेट अगर हम बना रहे हैं या फिर हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, अगर उसकी आइस कंप्लीट हो जाती है तो वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, ऐसे मानिए। देखिए आइस कंप्लीट हो गई है, एक वो जो इसके अंदर पेपर थम होता है उसका भी यूज़ करेंगे हम। बाद में करेंगे उसका, ये हो
ये देखिए हमने नोज में भी कंप्लीट कर दिया। और लिप्स में कुछ भी नहीं करना है, अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा। ये देखिए सारा शेडिंग ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसको हम जो है यहाँ से यहाँ शेडिंग डाल देंगे, ये शेडिंग डालेंगे। अब हम एक ये ले लेते हैं, ये पेपर थम है, इसको हम जो है वो इसमें यूज़ कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने पेंसिल लगाई है वहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से घिस के परमानेंट वो कर देते हैं, ठीक है। इसे हमने घिस दिया, अब वो फिक्स होगी। इसका फिक्सर भी आता है मार्केट में, लेकिन हम लोग इससे फिक्स कर देते हैं जिससे कि ये हटे ना अपनी जगह से। देखिए बन गया। इसको घिस ज़रूर दीजिए आप इससे, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ जहाँ पर आपको पेंसिल लगानी है वहाँ पर इसको घिसना ज़रूर है। घिसने के बाद उसकी शेडिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये हमने पल्ला बनाया था और यहाँ पर हम बालों को कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए इरेज़र इसमें नहीं लगाया है, इरेज़र लगाना और मैं बताऊंगा इसमें। बिना इरेजर के ये इनकम्प्लीट है। इसमें आप डिजाइन बना सकते हैं। अब हमें इसमें जो है वो आईलैशेस भी बनानी है थोड़ी सी।
अब मैं आपको ये इसमें इरेजर लगा के और दिखाई देता हूँ। देखिए ये ब्रश गलत वो लग गया था, उसको हम धीरे धीरे, अगर ये हाथ की या उसकी होती तो फिर ये नहीं ठीक होता। अब यहाँ पर भी हम इरेजर लगा सकते हैं। ये भी इरेजर लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें जो है ना, वो इरेजर लगाने से सारा कुछ जो है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इरेजर इसमें जो है वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है उसमें। बहुत सारी चीज़ें, कोई बूढ़े का फेस है तो भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अब इसकी आंखों को थोड़ा सा डार्कनेस देंगे, थोड़ी सी डार्कनेस। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हम कोई भी, अगर हम इसमें थोड़ा सा ये लगा दें, देखिए एक और चीज़ भी मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ। कपड़ों में ये लगा सकते हैं, ये बनाने के बाद हम जो है इसमें कोई भी इरेजर से डिजाइन बना सकते हैं। इस टाइप से बहुत दिन बाद स्केच के लिए आपको इसको मैंने दिखाया है, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है वो इसमें ये डिजाइन कर सकते, कुछ भी कर दीजिए आप, आपको वो अच्छा ही लगेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में आया होगा कि हाउ टू यूज़ ब्रश चारकोल विथ चारकोल पाउडर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इसको, ठीक है। और कोशिश ज़रूर करिए, इसमें आपको कोशिश ज़रूर करना है, एक दो बार आप ट्राई करोगे तो उसके बाद जो है आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, बाय।